तू इंकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। इसके लिए तशरीफ फरमा। तेलुगु देशम पार्टी पायलट ब्यूरो सिटी प्रेसिडेंट माजी मिनिस्टर जनाब श्रीनिवास यादव साहब, सिंधी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी साहब, फ्लोर लीडर जीएचएम सिंह मोहम्मद असलम, कॉर्पोरेटर मुसलमान श्रीनिवास गारू, कॉर्पोरेटर सलीम नगर डिवीजन प्रेसिडेंट, सिटी लीडर्स, स्टेट लीडर्स, महिला कमेटी, बूथ कमेटी मेंबर्स, प्रेस मीडिया और जहां में जितने तशरीफ लाए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, नमस्ते। आज का ये जलसा, आज की ये मीटिंग, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी मीटिंग को तय करने का मकसद इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए आपको, हमको, सबको इस मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी होकर तेलुगुदेशम के झंडे को लहराना है, तेलुगुदेशम को मजबूत करना है, नारा चंद्रबाबू नायडू के हाथ मजबूत करना है। इस शेर में जो मैं शेर से शुरू करा कि तू इंकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर, तो मैं आज के आए हुए हमारे टीडीपी लीडर्स से, वर्कर्स से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन बहुत करीब है, आपको कौन सी पार्टी किससे क्या अलायंस करने वाली है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, किस डेट को पोल होगा उसका इंतजार मत करिए। चंद्रबाबू नायडू साहब यहाँ से किसको डिक्लेयर करेंगे, वो जिसको भी करेंगे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से किसी एक को यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, तो इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। आप हम में से कोई एक कैंडिडेट होगा, क्योंकि हमें तेलुगु देशम घर घर पहुंचकर इस इलाके के अंदर एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आज आज के दिन से अगर आप काम को चालू करते हैं तो दो महीने के अंदर वो दिन दूर नहीं जब ये मलकपेट आपकी हमारी सबकी मेहनत की वजह से यहाँ तेलुगु देशम का झंडा लहराएगा और 10,000 से ज्यादा वोटों से मजलिस को यहाँ से शिकस्त देगी। छोटे छोटे वाक्या बस लोगों के एक दूसरे से अख्तलाफात है। मैं श्रीनिवास यादव साहब से बताना चाहूंगा कि 4.5 साल से जब से मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हूँ, मैं हमेशा मैक्सिमम ये कोशिश करा कि डिवीजन प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेटर या सीनियर लीडर सब एक दूसरे के अंदर इत्तेहाद को बाकी रखने की। आज जितना भी हमारे पास 90% से ज्यादा आपस में जो इत्तेहाद है, ये हम सबकी मेहनत का कमीशन का नतीजा है। थोड़े से छोटे मोटे एक दूसरे से परिचय हैं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले हालात के अंदर हम दूर कर लेंगे। आप इस सरपरस्ती अगर भाई तो 100% में हम उस यूनिटी को तेलुगु देशम वर्कर्स की, लीडर्स की, उसको तब्दील कर देंगे। रहे यहाँ के जो हालात है, डिलिमिटेशन के बाद जब मलकपेट 2009 में इलेक्शन हुए, मुख्तलिफ कैंडिडेट मुख्तलिफ पार्टी से यहाँ आवाम के बीच गई, कोई जीतने के मकसद से गया तो कोई जिताने के मकसद से गया। इस इलाके के अंदर जब नॉमिनेशन सबमिट हुए तो यहाँ मुकाबला एमआईएम और तेलुगु देशम के बीच था, किसी और पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं था। लेकिन यहाँ से कांग्रेस का जब एक कैंडिडेट आया तो उस बीएनबीटी को चेंज करके मजलिस में अपने असर रसूख से वाइस राजशेखर रेड्डी से बात करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को डालने की नियत से वो लोग विजय सिंह रेड्डी को यहाँ से कैंडिडेट डाले और एमआईएम के पैसे के ऊपर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए सिर्फ नाम मुस्लिम भाइयों में खर्चा करके विजय सिंह रेड्डी यहाँ से हिंदू वोट कट करने के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़े, वैसे ही बीजेपी का कोई मौकूफ नहीं था, लेकिन वो भी नाम मुस्लिम वोट और प्रजा राज्य लोक सत्ता मुख्तलिफ पार्टियों ने वोट काटने की वजह से और हम में जो यूनिटी आज है ये यूनिटी उस वक्त नहीं रहने की वजह से हम
हमने अंदर ही हालात का शिकार होकर और ये लोगों की साजिश को नहीं समझे। बहरहाल हम 7000 सीधे वोटों से यहाँ से टीडीपी हारी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये हमारा इतिहास बाकी रहा और आप लोग अगर अपने बस्तियों में, अपने गलियों में, अपने इलाके में इस बात का प्रचार करिए कि देखिए मुकाबला किस से किसका है, 4.5 साल से कौन आवाम के बीच है, कौन MIM की गुंडागर्दी के खिलाफ है, यहाँ के उनके करप्शन के खिलाफ है, उनकी रैंड बिराजिंग के खिलाफ है, यहाँ के जोन के तेलुगु अखबारा या उर्दू अखबारा को उठाकर देखिए कौन आवाम के बीच है, यहाँ के कारपोरेटर्स है, यहाँ के डिविजन प्रेसिडेंट्स है, यहाँ के लीडर्स है, मैं हूँ, यहाँ के आवाम के बीच में हम जो है ना जा रहे काम कर रहे। तो आप लोगों को समझाइए आने वाले हालात के अंदर आज मजलिस एक नई साजिश के तहत विजय सिम्हा रेड्डी को ईटीएटी से टिकट दिलाकर नॉन मुस्लिम वोट को कट करने की कोशिश कर रहे, एक नया फेर बदल कर विजय सिम्हा रेड्डी आप लोगों के बीच आने की कोशिश कर रहा, मतलब पेट वोटर के बीच जाने की कोशिश कर रहा। उसके आने से पहले आप ये बताइए कि मजलिस का एजेंट है सिर्फ नॉन मुस्लिम वोट को हिंदुत्व के नाम पे कट कर कर इन्हें जो है मजलिस की मदद करना चाह रहा। आपका हमारा इतिहास यहाँ से सेकुलर फोर्स को जो फाउंडेशन 1981-82 के अंदर जब इंदिरा मराव ने सेकुलरिज्म को कायम किया, अमल में लाया, तो वो सेकुलरिज्म की बिना के ऊपर अमल में आया। चंद्रबाबू नायडू ने उसी नक्शे कदम पे चलते हुए 9 साल अवधि इंतजार के अंदर नासिक हैदराबाद बल के आंध्र प्रदेश से फिजाबाद का खात्मा किया, हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी थी, मुसलमानों के बीच एनडीए की बेशक तेलुगुदेशम ने मदद की, लेकिन सेकुलर ढांचे में रहते हुए बीजेपी को एक एनडीए ने एक एजेंडा की एक पॉइंट प्रोग्राम दिया कि तुम अगर इन दायरे के अंदर रहते हुए काम करते हैं जिसमें बाबे मस्जिद को भी तुम जगह पे मंदिर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, जिसके ऊपर बीजेपी राजी हुई और चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मदद की। आने वाले हालात में भी किसका अलायंस किसके साथ जाएगा इसको देखने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मैं माइनॉरिटी से कहूंगा कि आप मजलिस के इस प्रोपोगंडे में मत जाइए कि तेलुगुदेशम हो सकता है। देखिए पार्टी की अपनी एक मजबूरी है, यहाँ पे जहाँ नेगेटिव वोट को कांग्रेस के टीआरएस को मर्ज कर उसके जरिए वोट देने की कोशिश कर रही, वही किरण कुमार रेड्डी के जरिए कांग्रेस के एंटी वोट को उसके पार्टी सपोर्ट करा के वोट देने की कोशिश कर रही, कहीं जगन को जेल से रिलीज करा कर जगन के एंटी वोट के बाद में वो हमारी मदद करना बोल के कांग्रेस को माहे के तहत उसको जेल से रिहा किया गया। तेलुगुदेशम कहा स्टेट के अंदर मुकाबला कर रही मुख्तलिफ पार्टियों से रीजन के अंदर ही, तो उसको देखते हुए हो सकता है आने वाले हालात के अंदर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को एनडीए की शक्ल में सपोर्ट करे, लेकिन वो अपने कानूनी दायरे में रहते हुए सेकुलरिज्म के ढांचे में रहते हुए चंद्रबाबू नायडू उसकी मदद करेगा, मुसलमानों के मसायल को धक्का पहुंचने नहीं देगा, मुस्लिम पसंद फ्रंट के अंदर बीजेपी को कभी गुना तलब करने नहीं देंगे, हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के अमन अमान को बरकरार रखने की पिछले 9 साल का दौर के तहत वो पूरी कोशिश करेंगे। तो आप मजलिस के दफ्तर किनारों में मत जाओ, बीजेपी के अलायंस से अगर होता है तो वो वक्त का तकाजा है, उसके बिना होगा। आप देखिए पंडित जी बी मिडे के होने के बाद भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले बीजेपी एमएलए भी थे, कांग्रेस थी, तेलुगुदेशम थी, जनता पार्टी से प्रभाकर रेड्डी भी जीते थे, मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ से इलेक्शन जीते, लेकिन कभी जल्दी गल्ली इतना लीडर नहीं था, इतनी इंफॉर्मर्स नहीं थे। आज ये 5 साल के अंदर इंफॉर्मरों के अंदर तब्दील हो गया, किसी गली में कहीं ईट गुजरती है, कहीं रेती पहुंचती है, कहीं कोई काम होता है, इंफॉर्मर इनके फौरी इतला दे देते हैं, बल्दिया उन गलियों में पहुंच जा रही। पहले कई घर बने, इलीगल बने, लीगल बने, कनेक्शन लिए, लीगल लिए, इलीगल लिए, वाटर के, ड्रेनेज के, कभी जो है ना बल्दिया की तरफ से इतनी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन आज मजलिस के इंफॉर्मर की तरफ से, मजलिस के कॉर्पोरेटर की तरफ से, ये एमएलए की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है आप देखिए।
अपना कुल्ला मिला भी करने की कोशिश करें, चाहे आप चंद्रवा जेल के सामने का प्लाट हो, चाहे सभी नगर के अंदर सीनू के इलाके के अंदर हो, असलम के इलाके में हो, नदी के इलाके में कई प्लाट की जगह हम जाकर इंतजार करें। कॉर्पोरेटर को लेकर रिटर्मिनेशन के आज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लैंड को लेकर वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं। हिलाल मस्जिद के सामने 4000 गज जमीन को कब्जा करने की कोशिश करें, यहाँ पे क्लब फाइन करे, मजलिस करने के घर के बाल होकर उस क्लब को इजाज करके बंद कराए। आज असोदी नगर की साहब बोलते कि वो क्लब को बंद कराए, छोटी ही भैया बोलते कि मुर्मू बंद कराए, सारे अपराध हवा है। मैं कमिश्नर पुलिस को रिकमेंडेशन देके इस क्लब को बंद कराया तो मैं हैदराबाद एमपी को याद दिलाना चाहता हूँ, क्या याकूबपुर आकाशवंशी आपके सेगमेंट में नहीं आती एमपी, क्या याकूबपुर आकाशवंशी में आज रुपापेट में सैबाबाद में दो क्लब चल रहे, वो भी कौन हैदराबाद एमपी का एरिया है, हम करा क्या जब मैं वहां से आपके अवाम को, आपके एमएलए को, आपके कॉर्पोरेटर्स को सबकी फायदा पहुंच रहा, आपके वर्कर्स को वहां से मांगो है डेली, इसी वजह से आपको दो क्लब बाकी रखे हुए हैं। ये क्लब जिसको मोहम्मद बंद करवाए, तेलुगुदेशम पार्टी बंद करवाए, उसको अपने सर वोट मिली के जरिए सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेलिब्रिटी क्लब या हैदराबाद सिटी क्लब जो भी था चमन से बाद बंद कर रहे, गुंडागर्दी की इंतहा हो गई, पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, जहां एमआईएम के इंफॉर्मर ब्रोकर इन्फ्लुएंस कर दिए, पुलिस सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर श्री कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट नहीं, ना उनकी पार्टी का कोई हुक्म मिनिस्टर है, बल्कि इन सात सीमेंट के अंदर पुराने शहर के अंदर असदुद्दीन अवैसी चीफ मिनिस्टर है और उनके एमएलए कॉर्पोरेटर मिनिस्टर है। ये हाल पुलिस का है, तो हमको एकजुट होकर मुकाबला करना है, ना सिर्फ हमने जिसका आलम मुस्लिम से झंडा यहाँ से लाया